झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गढ़वा जिला आजसू पार्टी की ओर से नवादा मोड़ उमंग वाटिका में होली मिलन समारोह जश्न जीत का आयोजन किया गया। काफी संख्या में हमारे कार्यकर्ता अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर व मिठाई खिलाकर कार्यक्रम का लुफ्त उठाया। मिलन समारोह में जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि आज हमारी खुशी की सीमा नहीं है, ये जीत रामगढ़ की जनता की जीत है। इसके साथ ही झामुमो की निकम्मी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये 2024 मिशन का भी आगाज है जिसमें एनडीए गठबंधन की भारी बहुमत से जीत होगी। रामगढ़ उपचुनाव में सरकार और सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रही थी जिसे वहां की जनता ने नकार दिया। केंद्रीय सचिव शंकर विश्वकर्मा ने कहा कि अब रामगढ़ के पूरे राज्य से झामुमो की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। गढ़वा में ईस्ट इंडिया कंपनी के माफिक कब्जा जमाए मंत्री विधायक को भी यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। एनडीए गठबंधन मंपर जीत हासिल करेगी। डॉक्टर अफजल अंसारी ने कहा कि होली की उमंग के साथ पूरे झारखंड से गठबंधन सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उमंग वाटिका से रंका मोड़ तक विजय जुलूस निकाला गया। पूरे रास्ते भर में बम पटाखे छोड़े गए। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल के साथ पूरे गढ़वा को झुमा दिया। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय सचिव जयराम पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, जवाहर पासवान, राजीव राज तिवारी, उमेश कश्यप, रितेश चौबे, गौरीशंकर बेंद्र, श्री गिरेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय सदस्य श्रीमती चंपा देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती रीता देवी, रंभा देवी, जिला उपाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अफजल अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष संतोष केसरी, अजय कुमार केसरी, मुख्य जिला प्रवक्ता राकेश शुक्ला, जिला प्रवक्ता गौरखनाथ चौधरी, जिला सचिव लाल मोहम्मद अंसारी, सुनील चौधरी, नंदू ठाकुर, जिला सचिव इंदल राम बैठा, जिला सदस्य आबिद अंसारी, रंका अनुमंडल अध्यक्ष मुकेश साहू, मैराल अध्यक्ष हमीदुल्ला अंसारी, डंडई प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार पासवान, संजय शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।